प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 एट्थ क्लास मैथ। ये है चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 3, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि अगर रैशनल नंबर्स को आगे पीछे आप प्लस करके भी ऐड करोगे तो रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। जैसे सिंपल सी एग्जांपल लें, जैसे हम नंबर सिस्टम में करते थे, 2 + 3 + 5, इसको जे 2 3 5 + 5 10 आ गया। अगर आप इसको ऐसे ऐड कर दो, 2 3 + 5 पहले ऐड कर दो तो तब भी 10 ही आएगा। जैसे मर्जी 5 + 2 + 3 कर लो तब भी 10 ही आएगा। तो यही रैशनल नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लो देखे कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू -2/3 या y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 5/6। जहां वेरीफाई करनी है हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो कैसे, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस जेड, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। लो जी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू 1/2, ब्रैकेट में प्लस 5/6। 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 हो गया, 3 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 2 से, -2 × 2 + 1 × 2 3 से, +5/6। ऐसे ही लिख लो, इसको ब्रैकेट में रखो। जे -2 2 मल्टीप्लाई करके -4, जे 3 + 3/6 +5/6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, -1/6 +5/6 आ गया। अब 6 एलसीएम आ गया, -1 + 5, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसा ही है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 4/6 आ गया। इसको काट लो, 2 2 4 2 3 6 2/3 आ गया वैल्यू। अब इनको ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीन दोनों को पहले ऐड किया था, अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू -2/3, y की 1/2 है, z की 5/6। चलो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, जिसको पहले सॉल्व करना। 2 और 6 का एलसीएम 2 3 6 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 6 3 प्लस, इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं 6 1 6 ही होता है, 1 से होनी, 5 ही रहना। ब्रैकेट में 3 + 5 8 बन जाना, 8/6। -2/3 ऐसे लगा लो। अब 3 और 6 का एलसीएम 3 2 6 6 ही आना। आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 3 6 होता है। जहां तक आपने पढ़ा पढ़ा, कहने का मतलब पढ़ा तब तक पढ़ना, टेबल तब तक पढ़ना जब 6 आ जाए, तो 2 तक। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 × 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नीचे 6 ही है, +8। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 + 8/6। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 4/6 इसको काट दो, 2/3 आ गया। यहां भी 2/3 आ गया, तो इसका मतलब भी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वेरीफाई हो गई। अब लिख लो, x प्लस वाई इंटू प्लस जेड प्लस इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। दस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाइड। ऐसे एक बार लिख लेना। तो ऐसे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का, एक्स -3/4 है, वाई 1/6 है, जेड 5/8 है। लो एक्स प्लस वाई को पहले ऐड करेंगे, प्लस जेड, जिसको पहले ऐड करते हैं उसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू -3/4, वाई की 1/6 है, जेड की 5/8। पहले 4 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, 12 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, -3 × 3 प्लस 1 को 2 से, 6 2 12 होते हैं ना, +5/8 ऐसे ही लिख लो, 12 एलसीएम। -3 3 9 +2 ब्रैकेट में रखना इसको, +5/8। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, -9 + 2 है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन बड़े का ही लगता है, -7/12 +5/8 इसे लिख लो। अब 12 और 8 का एलसीएम लो, 2 6 12 2 4 8 मिनिमम 2 डिवाइड होने चाहिए, इजी हो जाएगा। 2 3 6 2 2 4 3 2 6 2 12 2 24 एलसीएम आ गया। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 से ही ऊपर हो नहीं, 12 2 24 2 से ऊपर कर दो, 7 2 14 बन गया।
इसको 8 × 3 = 24 होता है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से ही ऊपर कर दो, 3 × 5 = 15 हो गया। मैंने जहां डायरेक्ट ही लिख दिया, जहां ये हुआ देखो −7 × 2 + 5 × 3 = 24, ये −14 बन गया +15, सब्ट्रैक्ट करोगे 1/24। लो अब वाई प्लस जेड को पहले ऐड कर लेते हैं, एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड वैल्यू पुट करो, −3/4 प्लस जो सेम ही वैल्यू है यही पुट करनी है, हमने पुट की है 1/6 + 5/8, बस इसको पहले ऐड करना है। तो चेक कर लेते हैं, 6 और 8 कैल्सियम 24, 2 × 3 = 2 = 8, 4 × 2 = 24, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 8 को, 6 को नहीं मल्टीप्लाई करना आपने, 1 को, 6 को, 6 का टेबल ही पढ़ना है कि 24 आ जाए। जहां दो तरीके हैं, जहां 6 का टेबल पढ़ लो आप, 4 तक पढ़ा, चाहे 24 को 6 से डिवाइड कर लो, जो भी अच्छा लगता है वैसे कर लो, 4 × 6 = 24, ये आसान होता है जरा, इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 = 24 होता है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 − 3/4 वैसे ही लगा लेना, −3/4 वैसे लगा लो, +24 तो एलसीएम है, 4 + 5 = 15, इनको ऐड करो 19/24, −3/4 वैसे लगा लो, ये प्लस है। अब 4 और 24 का एलसीएम डायरेक्ट पता चल जाता है, 4 × 6 = 24, 4 के टेबल में ही आ गया ना 24, सीधा ही लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 × 6 = 24, 6 से, किसको, −3 को, −3 × 6 प्लस, जहां तो जरूरत नहीं है, 24 × 1 = 24 होता तभी 1 से मल्टीप्लाई की 19 को, ये आ गया −18 +19/24, ये 1/24, तो जहां भी देखो आप 1/24 ही है, इसका मतलब एसोसिएटिव रहा, वेरीफाई हो गया, एक जैसी वैल्यू आ गई ना इधर भी तो इधर भी। देयर फोर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में +z = x + y + z, जे वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, दस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाइड। ऐसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, x = 2, y = −5/12, z = −3/8। लो पहले x प्लस वाई प्लस जेड इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू जहां से पुट कर लो 2/1 प्लस ब्रैकेट में रखना −5/12, ब्रैकेट बंद, ये बड़ी ब्रैकेट है क्लोज कर दी, +−3/8। अब पहले एक स्टेप करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, इसको ब्रैकेट में, ये स्क्वेयर ब्रैकेट है, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए ये भी जहां भी ले लो +−3/8। अब ए 1 और 12 कैल्सियम 12 होता है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करो तभी 12 आएगा, तो 12 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 12 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 12 − 5, जहां तो होनी नहीं मल्टीप्लाई क्योंकि सेम ही है डिनोमिनेटर, एलसीएम और डिनोमिनेटर, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है। ऐसे चाहे ऐसे लिख लो जी, अगर नहीं अच्छा पूरा लिखना आपने ऐसे, −3/8, 12 × 2 = 24, −5/12, −3/8 वैसे लिख लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 19/12 −3/8, अब 12 और 8 का एलसीएम लिख लो, ले लो 2 6 + 12 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 6 = 12, 2 × 24 = 24, 24 एलसीएम आ गया। अब 12 × 2 = 24 तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 × 3 = 24 तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 × 2 = 38, 3 × 3 = 9, सब्ट्रैक्ट कर दो, 29/24 आ गया। लो अब x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, वैल्यू पुट कर लो वही सेम 2/1 +−5/12 −3/8, जे एक्स वाई जेड की वैल्यू जहां दी हुई है वही पुट कर रहा हूं मैं, जहां आप पहले आप इसको सॉल्व करो, −5/12 +−3/8, ये स्टेप करना जरा जरूरी होता है, फिर गलती नहीं होती। अब 12 और 8 का एलसीएम हमने जहां भी निकाला था 24 है, तो 12 × 2 = 24, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, 8 × 3 = 24, 3 को 3 से, साइन वही लगाने जो लगे हुए हैं, ये तो वैसे ही लिखना 2/1 +(−10 −3 = 9 / 24, −10 से −9 −19, 2/1, अब 2/1
प्लस माइनस माइनस 19 बाय 24। अब एक और 24 का एलसीएम ले लो, 24 आ गया, दो को किससे मल्टीप्लाई करोगे 24 से, माइनस 19, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी, डिनोमिनेटर और एलसीएम एक रकम ही है, 24 को एक से मल्टीप्लाई करे तो एक ही आता है ना, तो चाहे ऐसे लिख लो कोई बात नहीं। तो 19 40 24 48 माइनस 19 सब्ट्रैक्ट करो, 29 बाय 24 आ गया। देखो जहां भी 29 बाय 24 आया तो जहां भी 29 बाय 24 ही आया था, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। देयर फोर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड इंटू, मतलब ये ब्रैकेट में है, दस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाइड।